अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे और अल्लाह से दुआ भी यही है कि आप सब खुश रहें। आज मैं आप लोगों को अपने घर की बहुत ही टेस्टी पैनकेक रेसिपी शेयर करने वाली हूं। देखिए, मैंने इसके लिए दो अंडे लिए हैं, इन्हें मैं फोड़ ले रही हूं। हमेशा अलग ही कटोरी में फोड़ा करें, जिससे कि अगर खून का कोई कतरा हो अंडों में तो वो अलग ही रह जाए, पूरा सामान गंदा ना हो, जितना भी सामान लिया है हमने। अब ये देखिए, मैंने 1 से 1.5 कप मैदा लिया था, ये उसी में मैं डाल दिया है मैंने दोनों अंडे। अब ये मैं वैनिला एसेंस डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि इसका फ्लेवर मेरे बच्चों को पसंद है। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, जो कि थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं, जैसे सब पैनकेक्स होते हैं वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है ये और कुछ नहीं। ये देखिए, आधी कटोरी मैंने इसमें है ना शक्कर डाली है, ये और थिक हो गया है। अब ये देखिए, मैंने दूध फिर डाला है वापस से। ये पैनकेक में मैं मेरे बच्चों के सामने अक्सर, पता है मेरे बच्चों को कि इसमें मैं अंडा नहीं डालती, मगर उस दिन मेरी बेटी मेरे बाजू में खड़ी थी तो उसने देख लिया है कि इसमें अंडा भी डालते हैं, और वो पूछ भी रही थी, अम्मा इसमें अंडा भी डालते हैं क्या। अब ये देखिए, पूरी मैंने ना शक्कर वापस से जो बची थी इसमें वो डाल रही हूँ। अच्छे से आप इसे फेंटिए, जिससे कि लम्स ना रहे ज़रा से भी। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये पूरा एकदम क्रीमी टेक्सचर हो चुका है इसका, देखिए आप। फिर इसे साइड में रख देना है थोड़ी देर के लिए। और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हुए हैं जब ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है। तो ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, आप सभी जानते होंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ और आप लोग का भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और ये देखिए, अब मैंने सब मिक्स करके रख दिया था, तो वापस उसे मैंने लिया है, फिर से उससे उठा के मैंने फिर से चम्मच के हेल्प से ऊपर नीचे पूरा मिक्स किया है। अब ये जैसे देखिए, तवा है मेरा, लोहे का तवा है, इस पर बहुत ही टेस्टी बनता है, क्रंचीनेस बहुत अच्छा आता है। जैसे डोसे का बैटर होता है ना, को उसको चलाते हैं डोसे के बैटर को, वैसे ही इसको चलाना है हमें भी। अब ये देखिए, ये हो गया है, इसको मैंने पलट दिया है, ये देखिए कितना ब्राउन ब्राउन हो चुका है, ये बहुत अच्छा लगता है, झटपट बन भी जाता है, बच्चों को टिफिन में दो, शाम के नाश्ते में दे दो, बहुत ही टेस्टी होता है ये। अब ये देखिए, इसे हल्का हल्का सेकना है, जैसे रोटियों को सेकते हैं वैसा ही लगता है, वैसे तो पतला पतला रहता है। ये देखिए रेडी है, हाँ, इसे अब मैंने साइड में रख दिया है। अब मैंने सामने ऊपर एक कटोरी में तेल लेके रख लिया था, जिससे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल रही थी, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही करना है, फिर वो ऑयली ऑयली लगने लगेगा एकदम। ये फिर से मैंने दूसरा पैनकेक के लिए डाला है इसका बैटर, एकदम स्मूथ हाथों से चलाना है, एकदम फास्ट फास्ट नहीं करना है, खराब हो सकता है इसका शेप। देखिए हो गया था साइड से थोड़ा सा। अब ये देखो, ये जो रेडी है वो उसमें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैंने बादाम डाले हैं, काजू डालिए, पिस्ता डालिए, और ये इसमें मैं और एक और चीज़ डाल रही हूँ, ये है तिल। तिल में आपको पता है कैल्शियम बहुत होता है, बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है ये सब, तो आप लोग छुपा के कैसे भी करके दीजिए बच्चों को। अब ये इसमें मैंने शहद डाला है अच्छे से, ये देखिए इसको रोल करके मैं अभी साइड में रख दूंगी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चे खाते भी हैं ये शौक से। ये देखिए दूसरा रेडी होने वाला है, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल मुझसे अगर पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा भी मैं उसी तरह रेडी करूंगी, इसमें पहले मैंने तिल डाल दिया है, फिर उसके बाद काजू है, बादाम है, जो भी आपको डालना है वो आपकी चॉइस है उसी तरह ही, मगर ये बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए, इस पे शहद भी डाल रही हूँ मैं, अच्छा लगता है।
बच्चों को वो प्रोटीन भी सब मिल जाता है, दूध रहता है इसमें, अंडे रहते हैं, तो अच्छा रहता है। ये देखिए दोनों रोल हो चुके हैं। अब ये जो दूसरा है, ये तीसरा वाला, तो ये मेरी बेटी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं खाती है, ना शहद, ना पीनट बटर, ना कुछ, कुछ भी नहीं। अब ये देखिए बच चुका था, तो इसे मैं साइड में रख रही हूँ ढक्कन लगाकर। ये देखिए अब ये भी रेडी है। ये पूरा प्लेन रहेगा मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं पसंद ज़्यादा ऐसा कुछ खाना पीना, ये प्लेन है पूरा। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं कि ये पूरा प्लेन है। ये देखिए जो बैटर बच गया था वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत हो तो वो बच्चों के काम आ जाए। मेरे शौहर लेट आए थे और मैंने पुलाव बना लिया था, तो ये पुलाव उनको ही दे रही हूँ, चिकन पुलाव, क्योंकि हमें बाहर जाना था इसलिए। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो वो अपना खाना उना खा के उनको तो ही हमें लेके जाना था। साथ में मेरी बेटी का एक ड्रेस था, मुझे वो चेंज करवाना था, इसलिए मुझे जाना ही था, क्योंकि वो लोग जल्दी फिर लेट हो जाए तो एक्सचेंज नहीं करते हैं दुकान वाले। ये देखिए चिकन का पुलाव बनाया था मैंने। अब ये देखिए मेरी बेटी अपने अब्बू के बाजू में बैठी है, वो बोल रही है अब्बू को, अब्बू तुम खा लो फिर मैं डाल दूंगी चटनी, चटनी खत्म हो जाएगी तो मैं डाल दूंगी। मेरे घर में दही चटनी रहती है पुलाव के साथ, मगर उस दिन दही बच्चों ने सारी खा ली थी पुलाव के साथ, मगर मेरे शौहर ज़्यादा चटनी ही खाते हैं शौक से, पुलाव के साथ उनको पसंद है, चटनी है, कोरमा है, ये सब। अब ये देखिए हम जा रहे हैं मेरी बेटी का फ्रॉक चेंज करने। ये मेरे घर के बाहर का एरिया है, मतलब बाजार का, ये वहाँ पे बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, तो प्यारी लग रही है। मौसम भी बहुत प्यारा था जब हमने चेंज कर लिए, हम वापस अपने घर जा रहे थे सब कुछ लेकर जो जो था हमारा। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो देखने का। अब ये देखिए ये है उसका फ्रॉक, जो कि छोटा आया था, बहुत छोटा आ गया था, तो बड़ा लेना था हम लोगों को, तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये फ्रॉक। और मेरी बेटी कैसे आपको शो कर रही थी अपनी फिंगर्स, पोज दे रही थी माशाल्लाह, अच्छा लगा ये फ्रॉक। जज़ाकअल्लाह एवरीवन।